हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम आयुष है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अब फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है क्या? ये एक SQA एक्टिविटी है। यानी ये क्या करता है, जो भी अपन ने चीज बनाई है या सॉफ्टवेयर बनाया है उसका क्वालिटी एश्योरेंस करता है, मतलब वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ये एक टेक्निकल रिव्यू है। तो टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट कौन करेगा? टेक्निकल स्टाफ ही कंडक्ट करेगा। और रिव्यू क्यों करते हैं हम लोग? कोई भी चीज अपन देखते हैं कि उसमें एरर्स ना हो कोई, ठीक है, जिससे कोई एरर ना है। तो फोकस इज ऑन मेकिंग सिस्टम एरर फ्री। तो ये एक SQA एक्टिविटी है, टेक्निकल स्टाफ कंडक्ट करता है और इसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है? सिस्टम को एरर फ्री बनाने में। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यूज टू अनकवर एरर्स, मतलब जो भी एरर्स हैं उसको अपन ढूंढने के लिए यूज करते हैं इसको। उसके बाद यूज टू वेरीफाई द सॉफ्टवेयर अंडर रिव्यू मीट्स द रिक्वायरमेंट, मतलब जो हम लोग बनाना चाहते थे जो वही बना के रिव्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब जो चीज अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं, जो रिक्वायरमेंट अपन ने सोचा था वैसा मीट किया है उसने या नहीं किया, ठीक है। और स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना यानी क्या? अगर कोई चीज है तो उसके कुछ प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड होते हैं। अगर कोई सिस्टम बना रहे हैं अपन, जैसे अगर अपन बैंक का बना रहे हैं कोई सिस्टम, तो उसका उसके सिक्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं तभी अपना जो भी सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो वैलिड माना जाएगा। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है और मेक्स द प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल, अच्छे से मैनेज कर पाते हैं अपन प्रोजेक्ट को। अब वो क्यों मैनेज कर पाते हैं वो अभी अपन आगे देखने वाले हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं अच्छे से। और इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन यूनिफॉर्म मैनर, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो एक तरीके से हो, यूनिफॉर्म मैनर में हो, ठीक है। तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू है क्या? एक मीटिंग है, ठीक है। तो अपन जब भी कोई भी मीटिंग करते हैं तो पहले मीटिंग की तैयारी होती है, ठीक है। तो अपन पहले देखेंगे तैयारी क्या है। तो डेवलपर बनाता है, चीज बना रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है कोई, तो डेवलपर बनाएगा, ठीक है। डेवलपर बना लिया उसने, फिर वो बोलेगा ये रेडी फॉर रिव्यू है, मतलब मैंने बना लिया, मेरा काम हो गया, अब आप लोग रिव्यू कर सकते हो। वो ये किसको बताएगा? प्रोजेक्ट लीडर को बताएगा। प्रोजेक्ट लीडर तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन रिव्यू के लिए उन लोग ने अपन ने अलग से एक चीज बनाई है, अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो उसका एक रिव्यू लीडर होगा अलग से, ठीक है। तो डेवलपर ने दिया प्रोजेक्ट लीडर को, प्रोजेक्ट लीडर ने दिया रिव्यू लीडर को। रिव्यू लीडर क्या करेगा? जो उसके पास जो एक आया ना, मतलब एक कॉपी आई है जो डेवलप्ड सामान की, वो उसको उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा और रिव्यूअर्स के बीच में बांट देगा। बहुत सारे रिव्यूअर्स होंगे, उनको बांट देगा। फिर रिव्यूअर्स क्या करेंगे? रिव्यूअर्स रिव्यू करेंगे चीज को कि क्या है, क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या एरर्स हैं, और वो सब बताएंगे किसको? रिव्यू लीडर को। मतलब रिव्यू लीडर ने काम पहले दिया, रिव्यू करने के बाद वापस उन लोगों ने सब अपना रिपोर्ट जो था वो रिव्यू लीडर को दिया। अब रिव्यू लीडर क्या करेगा? एडवांस प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। एडवांस प्रिपरेशन यानी क्या? एडवांस प्रिपरेशन क्यों करता है वो? कि जो भी रिव्यू आए वो अपन आगे बाद में देखने वाले हैं FTR के अंदर एडवांस प्रिपरेशन का क्या यूज होता है। और फिर लास्ट में वो फाइनल रिपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट लीडर को। तो प्रोजेक्ट लीडर क्या करेगा? एक एजेंडा सेट करेगा मीटिंग के लिए कि मीटिंग में किस चीज पे बात होनी चाहिए। तो तैयारी हो गई, एजेंडा सेट हो गया, अब अपन जाएंगे मीटिंग के लिए, ठीक है। तो FTR मीटिंग, अब FTR मीटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है रिकॉर्डर, ठीक है। रिकॉर्डर क्या करता है? रिकॉर्डर अभी देखते हैं अपन क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है चीजें। नाम में तो दिख रहा है कि रिकॉर्ड करता है, लेकिन क्या रिकॉर्ड करता है वो आगे देखते हैं अपन। तो FTR बिगिंस विद इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंडा, जो भी एजेंडा सेट किया था सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, वो उसके इंट्रोडक्शन के साथ FTR शुरू होती है। फिर प्रोड्यूसर, मतलब जो डेवलपर था जिसने अभी प्रोड्यूस किया है सामान, वो एक वॉक थ्रू परफॉर्म करता है प्रोडक्ट के ऊपर। वॉक थ्रू यानी क्या? वॉक थ्रू एक रिव्यूइंग के लिए स्ट्रैटेजी है जो यूज होती है। उसमें हर जो भी एक मॉड्यूल है ना, जो भी अलग अलग मॉड्यूल्स में बनाया हुआ है अपन ने सॉफ्टवेयर, हर एक मॉड्यूल के पास जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटीज देखेगा, उसको बोलते हैं अपन वॉक थ्रू। मतलब जैसे ड्राइव थ्रू होता है ना, ड्राइव थ्रू में क्या होता है, अपन ने ड्राइव किया एंड मतलब हर एक चेक पॉइंट्स होता है उसमें बहुत सारे, एंड चेक पॉइंट्स के बाद अपन को सामान मिलता है। ऐसे वॉक थ्रू में क्या होता है? वॉक थ्रू में अपन हर एक मॉड्यूल को ट्रेस करेंगे एंड मॉड्यूल के जो भी मतलब फ्लॉज हैं या वो है उसके ऊपर रिव्यूअर रेज करता है इश्यूज। अब क्या है ये पॉइंट देखते हैं अपन। रिव्यूअर रेज इश्यू बेस्ड ऑन देयर एडवांस प्रिपरेशन। अब एडवांस प्रिपरेशन की थी पिछले स्टेप में रिव्यू लीडर ने, तो वो रिव्यू लीडर वॉक थ्रू के बीच में इश्यूज रेज करेगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? डेवलपर जो है वो भाषण दिया जा रहा है एक चीज पे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन रिव्यूअर को असलियत में पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसने रिव्यू किया हुआ है चीज, तो वो बताएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, तूने ये गलत बोल, मतलब ये जो तू चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो उसके लिए वो इशू रेज करेगा, ठीक है। फिर जो भी वैलिड इश्यूज मिले ना अपन को, वैलिड इश्यूज, वैलिड पॉइंट्स जो नोट करने लायक होंगे, वो नोट करता है कौन? रिकॉर्डर। तो वैलिड पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड बाय एरर,
वैलिड पॉइंट्स और एरर आर रिकॉर्डेड बाय रिकॉर्डर, मतलब जो भी वैलिड पॉइंट्स थे जो भी डिस्कशन में आए और जो भी एरर्स थे वो रिकॉर्डर सब रिकॉर्ड करेगा और एक समरी रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, अब समरी रिपोर्ट के अंदर क्या होता है वो अपन देखते हैं। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो FTR होती है ना, FTR होता है जो मीटिंग होती है, ये 3 to 5 लोग, मतलब 3 से 5 लोग ही करते हैं, और इसका जो टाइम है ना टोटल टाइम, ये 2 घंटे से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से 5 लोग करने चाहिए, 2 घंटे से कम होना चाहिए। अब FTR स्टार्ट, एक बार वापस एक बार FTR देख लेते हैं अपन। स्टार्ट हुआ एजेंडा से, जो डेवलपर है वो भाषण दिए जा रहा है, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। रिव्यूअर को पता है कि कैसा कैसा होता है, असलियत क्या है, तो रिव्यूअर उस पर इशू रेज करेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा था, जब मैंने रिव्यू किया था वैसा नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। जो जो प्रॉब्लम्स मिली वो प्रॉब्लम्स रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड की और एक रिपोर्ट बनाया। ठीक है, और ये करते कौन है, 3 से 5 लोग रहते हैं और less than 2 hours में होना चाहिए ये। अब FTR हो गया, FTR के एंड में ना अपन कुछ कंक्लूड करते हैं, अपन क्या मेक श्योर करते हैं, जो भी जितने भी अटेंडीज थे ना FTR में, जो जो लोगों ने अटेंड किया है वो या तो एक्सेप्ट करेंगे प्रोडक्ट पूरा जैसा था वैसे ही, मतलब बिना किसी मॉडिफिकेशन के, जैसा बनाया जैसा प्रेजेंट किया जैसा मतलब है प्रोडक्ट है वैसा ही ले लेंगे, या तो रिजेक्ट कर देंगे उसमें क्योंकि कुछ सीवियर एरर्स आए हैं तो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर एक्सेप्ट द प्रोडक्ट प्रोविजनली। प्रोविजनली यानी क्या, थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब कुछ गलतियां थी लेकिन वो सुधर सकती हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे अपन थोड़ा सा, या तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत सारी गलतियां थी, या फिर थोड़े से क्या बोलते हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे, नहीं बिना मॉडिफिकेशन के एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो एकदम परफेक्ट या एकदम खराब या फिर थोड़ा ओके ओके, जिसको अपन मॉडिफाई करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने क्या, FTR हो गई, FTR में क्या बना अपना, समरी रिपोर्ट बना। अब समरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आंसर होती हैं, 3 questions का आंसर मिलता है समरी रिपोर्ट के अंदर। क्या रिव्यू किया था, वॉट इज रिव्यूड, हु रिव्यूड इट, किसने रिव्यू किया था, एंड वॉट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, क्या क्या फाइंड किया अपन ने, मतलब क्या क्या अपने कंक्लूजन आए और क्या क्या अपना फाइनल रिजल्ट आया वो अपन स्टोर करते हैं। ठीक है, किसमें, ये रहता है समरी रिपोर्ट में। अब समरी रिपोर्ट के पर्पस क्या है, समरी रिपोर्ट मतलब क्या हो गया, एक एरर्स की लिस्ट हो गई, ये एक ऐसा है। ठीक है, इसमें सब एरर्स की लिस्ट रहेगी, एरर्स की लिस्ट एंड एरर्स का डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या होता है, एक चेकलिस्ट बन जाती है डेवलपर के लिए कि कौन से एरर्स उसको सॉल्व करने हैं, और एरर आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है, मतलब अभी मेरे को पता चला कि ये एरर आया तो ये एरर क्यों आया उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है एरर कहाँ कहाँ एरर्स हैं। एंड उसके बाद एक चेकलिस्ट बन जाती है डेवलपर के पास कि उसको ये एरर्स सुधारने हैं। ठीक है, तो ये था फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, एंड थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, एंड और भी वीडियोज आने वाले ऐसी के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंड नोट्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां से देख सकते हो कि कैसे नोट्स लेने हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।